हेलो सेकेंड ई ईयर्स सो जैसे मैंने आपको बताया था आपका ऑलरेडी बोध द बुक्स हैव बीन डेल्ट विद जो आपके एसेज और स्टोरीज थे बट देर टू मोर एसेज जो आपकी उस बुक में नहीं है सो विल डील विद देम नाउ और पहला ऐसे है ई के फेडरोव द्वारा लिखा गया है क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन स्ट्रैटजी क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और उसके बारे में ह्यूमन स्ट्रेटजी प्लान्स क्या हो सकते हैं एंड ई के फेडरोफगेनी कॉन्स्टेंटिनोविच फ्योदरव वॉज रशियन यू नो सोवियट इनफैक्ट्स यू एस एस आर के टाइम पे जियो फिजिसिस्ट स्टेट्स मैन पब्लिक फिगर एकेडमिशन एसेट्रा एसेट्रा हीरो ऑफ द सोवियट यूनियन इन्हें कहा इन्हें उपाधि मिली थी और बॉर्न इन 1910 टेन डाइड नाइनटीन एटी वन और जियो फिजिक्स बेसिकली ही स्टडीज़ द फिजिकल प्रोसेसिस ऑफ द अर्थ ये जो पृथ्वी के जो भौतिक प्रक्रियाएँ प्रक्रिया प्रक्रियाएँ होती हैं इस सब के बारे में वो पढ़ते हैं सो एंड एंड दैट इज वॉट यू नो दैट इज़ वाई हीज़ राइटिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज इन ऑल ऑफ दिस तो ये जो प्रेजेंट ऐसे है नाइनटीन सेवेंटी नाइन में लिखा गया है ये हमें ध्यान में रखना है कीप दैट इन माइंड यू नो इट्स रिटर्न ऑलमोस्ट कुछ चालीस साल पहले ये लिखा गया है सो दस गेट डाउन टू दो इन द इंट्रोडक्शन इट सेल्फ पहली लाइन में ये अपना ये जो मुद्दा है जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं

कि एक संभावना है एक पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है खासकर क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें तो कुछ इ चेंजेस होने वाले हैं इ यानी जो वापस जिन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता कि एक बार अगर जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात चलते रहती है तो हाँ दैट इज़ अपेंटली पैंटली कि एक पॉइंट के बाद अगर पृथ्वी गर्म हो गई तो वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगी एंड ऑब्वियसली नॉर्मल विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स तो एक yeah, yeah. तो तरह से यानी ये दौर था जब सेवेंटीज़ वगैरह में क्योंकि इससे पहले तो शायद इसके बारे में ज़्यादा कभी चर्चाएँ नहीं हुई थी बट देन साइंटिस्ट बिगैन टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस सब्जेक्ट्स एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि हाँ क्लाइमेट बदल रहा है एंड दिस माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस ह्यूमन बींग्स और ये बातें अगर नाइनटीन में चल रही थी सो वी आर स्टिल एट सम लेवल वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज अभी तक हम उसी लेवल पर है यानी कई कॉन्फ्रेंसिस होती है ये जो कई मीटिंग्स वगैरह होती है यूनाइटेड नेशनज ये सब बट एक्चुअल में क्या हो रहा है आपको भी शायद पता है सो एंड वी स्टिल डिनाई इट अलॉट ऑफ आर मीन में जैसे ट्रम्प कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग झूठ है मोदी जी ने भी कहा था एक बार कि क्या असल में ठंड नहीं बढ़ रही है जो बूढ़े लोग हो रहे उन्हें क्या है uh, Uh, असल में सॉरी गर्मी नहीं लग रही है जो बूढ़े लोग होते हैं उनको सह नहीं पाता ऐसा कुछ उन्होंने कहा था एंड सिमिलरली यू नो ब्राज़ील में जो और और तो क्या क्लोज़र होम जैसे कुल्लू की अगर मैं बात करता हूँ यू you नो know, कुल्लू में मेरा घर था तो सो uh, so कुल्लू में अगर आप देखें तो कुल्लू वॉज नोन फॉर इट्स एप्पल्स इट्स स्टिल नोन बट धीरे धीरे जो एप्पल लाइन है जहाँ पे क्या है जिस हाइट पे एप्पल उगते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते जा रही है तो अब लोग क्या है शायद लाहौल वाहौल के साइड ज़्यादा अभी ये सब हो रहा है कुल्लू में अभी भी एप्पल्स उग रहे लेकिन अगर ऐसा ही चलते रहा तो शायद यू नो मे बी इन लाइक ट्वेंटी ईयर्स कुल्लू विल बी नोन फॉर इट्स यू नो कुल्लू मैंगो तो इस टाइप की चीज़ें हो रही है बट वी स्टिल डिनाई इट बिकॉज ये आर पॉलिटिक्स बिजनेस एटसेट्रा एक्सेट्रा तो खैर ये सब बातें चल रही है तो इसके कई कारण देते हैं इन शॉर्ट जैसे बोलते हैं एक तो जो कंस्ट्रक्शन है हर जगह अर्बनाइजेशन हो रहा है डेवलपमेंट हो रहा है पेड़ काटे जा रहे हैं एट्सेट्रा एक्सेट्रा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो पहले सीजनल होती थी अब क्या पूरे साल ही चलते रहती है तो बेसिकली और इससे धीरे धीरे क्या है हमें अगेन सेवेंटी नाइन की बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि हमें वी नीड टू एक्सेप्ट दैट यू नो वी कैन नॉट कंसिडर द प्लान ऑन विच वी लिव एज एन इन्फिनिटली रेजिलियट इन्वायरमेंट नॉट कैन वी कंसिडर इट्स रिसोर्स इन एग्जॉस्टिबल की यानी हमें अब ये कबूल करना पड़ेगा कि जिस हम पृथ्वी पर रह रहे हैं इट्स नॉट एन इन्फिनिटली रेजिलियंट इन्वायरमेंट वो क्या है हमारे हम जो भी उसके साथ करते रहे ऐसा नहीं है कि वो झेलते रहेगी उस पर भी प्रभाव पड़ेंगे एंड ना ही उसके जो रिसोर्सेज है जो साधन है पृथ्वी में जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं यू नो वो भी इनएग्जॉस्टेबल नहीं है वो भी कब धीरे धीरे ख़त्म होंगे चाहे वो आप कार्बन uh, फ्यूल्स की बात करो या पानी या जो भी ड्रिंकिंग वाटर ऑल ऑफ दिस यू नो सो वी नीड टू कीप दिस माइंड और ऑल्सो एक और बात यू नो इट्स नॉट अबाउट लाइक सेविंग अर्थ यू नो जो बीच बीच में बड़ी बात करते हैं ना लोग कि लेट टू सेव द अर्थ अर्थ विल बी फाइन यू नो एंड इट डजेंट रियली मैटर यदि इससे पहले भी कई स्पीशीज आई है डाइनोसॉर जैसे आप जानते हैं स्पीशीज आती है जाती है अर्थ बिल्कुल चाहे जल के भी एकदम यू uh, नो you know, सपाट हो जाए साफ हो जाए ऊपर से सब कुछ लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसके अपने प्रोसेस इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स यू नो वी ह्यूमन बींग्स अगर आप अर्थ का टाइम लाइन या यूनिवर्स का टाइम लाइन देखें हम लोग शायद एक सेकेंड भी नहीं है उस टाइम लाइन में यू नो सो दिस अबाउट बेसिकली इट्स अबाउट सेविंग आर सेल्स हम पृथ्वी को नहीं बचा रहे पृथ्वी ठीक रहेगी हम हमारा जो ह्यूमन uh, प्राइड है कि लेट सेव द अर्थ नो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेव आर सेल्वस क्योंकि अर्थ में जो प्रेजेंट कंडीशंस है हमारे जीवन के लिए वही कंडीशन अनिवार्य है हम लोग सौ डिग्री का अगर पृथ्वी हो जाए नहीं जी पाएंगे बट हो सकता है कुछ हजारों लाखों साल बाद नई प्रजातियां आएँ जो 100 डिग्री में जीत जी, जी पाए हैं यू नो दे माइट बी एबल टू यू नो जो वो शायद पेड़ों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड सूंघे लाइक यू नो दे माइट ब्रीथ सो ऑल ऑफ दिस यू नो इज़ जस्ट अबाउट सेविंग आर सेल्स नॉट अबाउट सेविंग द अर्थ ओके और तो फिर यही बातें चल रही कि अब क्या है हम लोग वी कैन नॉट रिमेन इग्नोरेंट ऑफ दीज थिंग्स यू नो पहले हम इन चीज़ों को टाल सकते थे बट अब साइंटिफिक फैक्ट्स आ चुके हैं बट अगैन फेदरो वॉज talking अबाउट ऑल ऑफ दिस इन 1979. सेवेंटी नाइन चालीस साल से ऊपर हो गए इन बातों को यू you नो know? और दूसरी बात फिर ये कहते हैं कि ये जो हाँ, साथ ही साथ जो हमारा जो इम्पैक्ट है मनुष्य का जब हम पहले पुराने इन हिस्टोरिक टाइम्स यू नो हम भी जानवरों जैसे रहते थे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था जो नेचुरल बैलेंस है इको सिस्टम का प्राकृतिक बैलेंस वो डटे रहता था बट नाउ दैट वी हैव मेड सो लाइक यू नो वी बिकम द रूलिंग स्पीशीज़ इतनी हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांस कर दिया है हर जगह से हम कहीं कुछ जला देते हैं कुछ काट देते हैं कुछ uh, खोद देते हैं नई नई चीज़ें कर रहे हैं सो देन ऑब्वियसली हमारा फुटप्रिंट या फिर हमारा इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे और पृथ्वी पे भी बढ़ गया है एंड दैट्स वाई वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अगैन लाइक यू नो इट्स अबाउट सेविंग आर सेल्स या और इसीलिए ये कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति में हम गलतियां नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के बारे में यू नो प्रडिक्शंस करने में कि अभी के बारे में और फ्यूचर के बारे में हमें एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए कि क्या स्थिति है ताकि हम उससे सुधार सके या मेंटेन कर सके जो अभी है यूरो you कॉज know? uh, हाँ क्योंकि नेचुरल कारण भी होते हैं ह्यूमन कारण भी होते हैं सो ही गोज ऑन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स देन यू नो ही गोज ऑन टू से अब पहले यानी ये सब के पहले लेकिन बट फी फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट इट सेल्फ तो क्लाइमेट क्या है जैसे मौसम जो वेदर आप बोलते हैं वेदर इज अ वेरी लोकल थिंग बट क्लाइमेट इज अ और जैसे वेदर क्या है एक दिन का अभी क्या है अच्छा बाहर कैसा है मौसम हाँ बादल हैं बारिश हो सकती है बर्फ गिर पड़ सकती है और राइट बट क्लाइमेट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ लार्जर टाइम पीरियड यू नो कि जो भी है हमारे जो पृथ्वी पे क्लाइमेट जो एक जो अ कॉन्सिक्वेंस एक परिणाम है किसका ऑफ द वर्किंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन द एटमोसफेयर दी ओशंस एंड ऑन लैंड किस तरह से धूप आती है रोज पड़ती है किस एंगल से किस तरह से वो यू नो वहाँ पृथ्वी का उस वहाँ पे जो जहाँ पे धूप पड़ रही है एरिया कैसा है पानी से भरा है तो रिफ्लेक्ट होगी धूप अगर खुरदरे पहाड़ है कैसा है हाइट ज़्यादा है इस सब से सब कुछ एंड ओशन्स में क्या हो रहा है तो एंड बट या लाइक ए लाइक आई सेड मेन कारण क्लाइमेट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द सन सोलर एनर्जी कैसे हम पे पड़ती है और फिर पृथ्वी के शेप के अनुसार वो कैसे मटीरियल और शेप के अनुसार वो कैसे यू नो रिफ़्लेक्ट होती है या फिर आसपास कैसे वो स्प्रेड हो रही है जी हीट बिकॉज बेसिकली यू नो फेडरोफ गोज ऑन टू ही गोज इन टू अलॉट ऑफ थर्मोडानेमिक कॉन्सेप्ट जो साइंस का जो एक जो सब्जेक्ट है विच डील्स विद कि कैसे हीट की प्रॉपर्टीज़ हीट को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका क्या प्रॉपर्टीज़ uh, है कैसे वो बिहेव करती है इन अ सिस्टम यू नो सो उसी की वैसे ही ये बात करें कि किस तरह से फिर यू you नो know, पानी ओशंस गर्म हो जाते हैं वहाँ से फिर हवा निकलती है बारिश है, ये सब सो इज़ टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ साइंटिफिक थिंग्स उसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे एंडिया सो ही सेज़ लाइक सो क्लाइमेट लाइक यू कुड से इज़ जनरली मेजर्ड इन लाइक यू नो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स अगर आपको सही में थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत एंड and he says there's a lot of inaccuracy बहुत मुश्किल है यानी हम क्या है even Google पर आप देखें तो यहाँ पे uh, हम एक दिन का climate weather प्रॉपरली हम प्रडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि कभी और Google में लिखा होता है कि फुल धूप होगी आज लेकिन बर्फ पड़ जाती है तो आप सोच रहे क्लाइमेट predict करना तो फिर काफ़ी although इट रिमेन्स स्टेबल बट ही सेज़ की अब खासकर जिस तरह से हम स्थिति में जा रहे हैं लाइक यू नो इट माइट नॉट रिमेन सो स्टेबल एनी मोर यानी अभी तक जैसे हमको पता है कि यू नो विंटर होता है इस टाइम पे इस टाइम पे बारिश पड़ती है बट इस अगर जिस रेट पे हम चल रहे हैं तो इट माइट नॉट रिमेन दैट स्टेबल एनी मोर Then next section he goes on uh, like climatic change resulting from natural causes. Natural causes say climate change जो क्या कहें तो वो ये कई बातें हैं. And then he start he basically starts with the history of climate on earth. You know, एक तो हाँ ये सब बताना बहुत मुश्किल है history of climate क्योंकि इसका कोई record नहीं है continuous. और पहले क्या है जैसा आप जानते हैं पृथ्वी was not लैंड वॉज नॉट एज इट इज़ कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट पहले एक ये कॉन्टिनेंट्स कहीं और होता था गोंडवाना से धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स बने पोल्स भी शिफ्ट होते रहते हैं पृथ्वी के सो इस बट या ही ड्रॉज अ ब्रीफ सॉट ऑफ लाइक यू नो अ टाइम लाइन की कैसे कैसे चला एंड देन फाइनली कम्स गाउन सेवरल टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर को कुछ सैकड़ों साल पहले ये फाइनली थोड़ी सिचुएशन बदलने लग उससे पहले क्या है उतार चढ़ाव चलते रहता था टेम्परेचर का बट फिर फाइनली जो पोल्स के पास टेम्परेचर घिरने लग गए और दो मिलियन साल पहले ये फिर प्रेशर और ये चीज़ ये प्रक्रिया ये प्रोसेस और एक्सेलरेट हो गया और फाइनली यू नो आर्टिक टेम्परेचर्स एंड देन वी हैड दोज़ फ्रीजिंग पोल्स बर्फ वाले पोल्स ग्लेशियल पीरियड आइस एज़ेस, सो ही गोज ऑन टू टॉक अबाउट अ लॉर्ड ऑफ दिस Um, temperature, however, is not the only indicator of climatic change. Precipitation amounts also vary. यानी yani, बारिश कितनी हो रही है इससे भी बहुत फर्क पड़ता है Sea levels ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं Evaporation कैसे हो रहा है You know, वाष्पीकरण कैसे हो रहा है पानी का पृथ्वी की सतह पर So ये सब बहुत कारण चीज़ है और in fact, like you know, it's very complicated. जैसे एक concept है butterfly effect का uh, uh, and this relates to climate. So I'm talking about it. कि एक theory है मानना है कि हमारा जो ग्लोबल सिस्टम है खासकर जो क्लाइमेट सिस्टम वेदर सिस्टम्स आर सो इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे से इतना जुड़े हैं कि कहीं साउथ अमेरिका में अगर एक बटरफ्लाई अपने पंख थोड़ा ऐसे फड़फड़ाए तो हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन उसका ऐसा इफेक्ट हो सकता है कि वही उसके पंख फड़फड़ाने की वजह से कहीं यूरोप में एक तूफान आ जाए यू you नो know? कुछ हो सकता है पंख फड़फड़ा रहे उससे कुछ हिल गया वहाँ से फिर यू you नो know, एक पंख यहाँ से चला गया फिर करते 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 दीज थिंग्स कीप ऑन गोइंग करते करते एक तूफान बन के यूरोप पहुँच रहा है जैसे कि अगर आप पुराने अगर आपने कार्टून देखे टॉम जेरी टॉम एंड जेरी टाइप के तो उसमें जैसे होता ना कि एक वो मशीन बनाते हैं कि एक ज़रा सा कहीं से एक पहले बॉल गिरती है और फिर क्या क्या टक 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 करते 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 बहुत कुछ होता है यू नो सो दो सॉर्ट ऑफ दैट सॉट ऑफ एनी इंटर डिपेंडेंसी एवरीथिंग इज लिंक्ड सो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट एक तो इन सब कुछ चीज़ों को मेजर कर पाना एक्यूरेटली और फिर प्रिडिक्ट कर पाना कि आगे क्या होगा सो इट्स वेरी डिफिकल्ट सो यार एंड दैट सो इज इज दे आर नंबर ऑफ हाइपोथीसिस बहुत सारे थ्योरीज हैं यू नो द अनप्रूवन हाइपोथीसिस थ्योरीज है दैट ट्राई टू अकाउंट फॉर क्लाइमेट चेंज बट एज इट देर इज नो एडिकुएट फिजिकल थ्योरी केबल ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्व लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऐसी एक कोई परमानेंट यानी या फिर फिजिकल थ्योरी नहीं है जो सब कुछ समझा पाए कि ये सब क्यों हो रहा है यू नो सो वी आर स्टिल सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो वेरी शूटिंग इन दयर आई आई डोंट नो अगेन आर्टिकल रिटन इन 79 शायद वहाँ से हम आगे पहुँच चुके हैं लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भी नहीं पहुँचे हैं जितना मैं जानता हूँ सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग जो नेचुरल जो है लॉन्ग पीरियड नेचुरल कॉजेज हो सकते हैं जो लॉन्ग पीरियड चेंजेस uh, के क्लाइमेट में तो ये एक्सटर्नल हो सकते हैं यानी पृथ्वी के बाहर से या फिर अंदर ही डेवलप्ड ऑन इट एक्सटर्नल फैक्टर्स कुड भी कि यानी किस तरह की लाइट आ रही कितनी लाइट हमें सन से मिल रही है रेडिएशन मिल रही है या फिर अर्थ का जो क्या है ऑर्बिट सन के अराउंड जो घूमता है वो थोड़ा बदल गया या फिर कुछ भी है नो शायद वॉल्कैनिक एक्टिविटीज़ पहाड़ों के उगने की एक्टिविटीज़ अर्थ में चल रहा है अर्थ को एक सार है सो लॉट्स ऑफ रीजनस कॉन्टीनेंटल प्लेट्स बदले सो लॉट्स ऑफ रीजन कैन बी देयर लेकिन फिर कहते हैं जो कुछ लास्ट फ्यू थाउजेंड इयर्स जो कुछ जो हज़ार साल कुछ uh, कुछ हज़ारों साल पहले की जो बात है तब से क्लाइमेटिक चेंज हैज़ अकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन दी अर्थ ऑर्बिट एंड इट्स सरफेस स्ट्रक्चर हैव बीन रिलेटिवली कांस्टेंट एंड व्हेन इट इज़ प्रॉबल दैट द नेचर ऑफ एंड क्वान्टिटी ऑफ सोलर रेडिएशन वर वल्सो कॉन्ट लेकिन ये कहते हैं कि जो लास्ट कुछ हज़ारों सालों से जो पृथ्वी पे पृथ्वी uh, का जो ऑर्बिट है और उसका जो सर्फेस स्ट्रक्चर है और जो सोलर रेडिएशन उसे जो मिल रही है फिर भी क्लाइमेट चेंज चल ही रहा है सो वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स और या एंड इन द एंड लाइक अर्थ के क्लाइमेट में यू देयर इज लाइक टू बेसिकली स्टेबल अगर आपको स्टेबल चाहिए सब कुछ तो दो ही है या तो सब कुछ एक पूरी पृथ्वी एक जो बिल्कुल पानी से भर जाए सब कुछ एक गर्म यूनिफॉर्मली वार्म वार्मेम्परेचर हो या फिर पूरी पृथ्वी बिल्कुल फ्रीजन फ्रोजन हो बिल्कुल ठंडा हो सो अभी हम क्या है सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो वी आर वेरी लकी सॉर्ट ऑफ स्टक इन अ वेरी नाइस पॉइंट जहाँ पे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है आज गर्म ठंड के बीच में एक कुछ ना कुछ कंडीशन हैं, सो गुड फॉर ह्यूमन लाइफ एटलीस्ट पृथ्वी के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है वो हमें नहीं पता इट्स बियॉन्ड आर स्कोप बट इट्स गुड फॉर आर एंड देट्स वाई वी मस्ट सेव इट यू नो टू सेव आर सेल्फ बट ही से फाइनली इन आर ओपिनियन जो करंट उस समय के साइंटिस्ट की ओपिनियन थी कि जो आने वाले दशकों में इट सेम्स रीजनेबल टू आरटिसपेट स्मॉल क्लाइमेटिकेंज टू दो बोल रहे कि आन अगेन वो यू नो सेम थिंग आगे वाले जो चीज़ें द पॉइंट इज की बेसिकली कि जो पहले जो चीज़ें कुछ सौ दो सौ साल में जो रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज बढ़ रहा था जैसे कि पहले यू नो दो सौ साल में शायद एक डिग्री बदल बढ़ता हो लेकिन अब आजकल एक डिग्री शायद अब कुछ बीस तीस सालों में बढ़, तो growing, you know, बढ़ रहा है तो ही सेज द रेट इज ग्रोइंग यू नो एंड और एक वार्मिंग ट्रेंड बढ़ रहा है तो अगेन एंड इट विल अफेक्ट द आर्टिक सर्कल्स मोस्ट ही से तो आई एल ऑल्सो शेयरस हम हाँ जो हम बात कर रहे थे एल जस्ट शेयर हम दिस ग्राफ विद यू यू नो तो बेसिकली वही बात हो रही है कि अगर आप एटीन एटीज से देखें और जो टू थाउजेंड्स तक तो जो एवरेज जो रेट है इंक्रीज का ग्लोबल टेम्परेचर का तो बढ़ ही रहा है यू नो सो हम चाहे जितना भी ऑल अगेन लाइक यू नो ग्लोबल वार्मिंग इज वन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज यू नो ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब नहीं कि पूरी पृथ्वी बस गर्म होते रहेगी इट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज ओवरऑल येस टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस बढ़ेगा बट हो सकता है लाइक यू नो कहीं पे उल्टा हो जाए जैसे कि जा, जिस समय पे पहले दिसंबर जनवरी में आ जहाँ विंटर होती थी वहाँ पे हो सकता है समर होने लग जाए गर्मी होने लग जाए और जब जा समर में जुलाई अगस्त में जहाँ बढ़िया मौसम गर्मी रहती थी वहाँ पे क्या है बर्फ पड़ने लग जाए सो दीज थिंग्स कुड हैपन लाइक यू नो सो द पॉइंट इज दिस ओके हाँ फिर देन ही गोज ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन थ्री जहाँ पे अब ये क्लाइमेटिक चेंज इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी अब हमारा रोल क्या है इसमें तो ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ रीजन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैंड सर्फेस जो पृथ्वी की जो सतह है सरफेस है उसको ही हमने पूरा बदल दिया है फॉरेस्ट क्लियरेंस प्लॉइंग ऑफ द स्टेपीज खेत बनाने हैं जो भी करना है लैंड रिक्लेमेशन आर्टिफिशियल रिजर्वाज तो इससे क्या होता है जो कई का इससे बहुत कुछ है ऑब्वियसली ये सब जो और भी बहुत है बट मेन रीजन जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मेजर लेवल पे इससे अर्थ uh, के क्लाइमेट का इज द रफनेस ऑफ द अर्थ की किस तरह से जो कमिंग सोलर रेडिएशन को अर्थ कैसे रिफ्लेक्ट करती है कैसे एब्जॉर्ब करती है ये सब पे ठीक देन चेंजेस इन द वाटर बैलेंस एज एन इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ रिवर डिस्चार्ज यूज फॉर इरीगेशन और फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स तो हाँ ऑब्वियसली पानी जिस फ्रेश वाटर नदियों का ज़्यादा ज़्यादा हम यूज़ करते रहते हैं चाहे वो खेती बाड़ी के लिए हो या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ऊपर से ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बढ़ती रहती है हमारी वो तो है ही सो ऑल ऑफ दिस एंड देन चेंजेस इन एनर्जी बैलेंस तो वही जैसे हम जो कह रहे थे कि अर्थ को एक तरह से आप हीट मशीन की तरह देखिए उसमें गर्मी आ रही है बाहर से सोलर एनर्जी आ रही है और साथ में अब लेकिन क्या इंसान भी अब अर्थ में बैठे बैठे और गर्मी बढ़ाते जा रहे हैं तो एक टाइम होगा कि इट विल बिकम टू हॉट फॉर आर एग्जिस्टेंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइन ऑल ऑफ दिस यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफेयर वातावरण में रह जाती है और उससे क्या होता है फिर जो अंदर जो सोलर हीट रेडिएशन आ रही है हमारी पृथ्वी पर लाइक यू नो इफ द अर्थ इज दिस और सन से जो रेज आ रही है यहाँ से ऐसे टट 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 और बाहर एक जो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेज की एक परत बन जाती है तो देन दोज गैसेज विल रिमेन इन साइड यू you नो know, वो वापस नहीं जा पाएंगी और इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है और भी कई कारण है बट या ऑब्वियसली लाइक टेम्परेचर्स टेन टू बी हायर विद इन अर्बन एरियाज एंड विसिनिटी ऑफ रिजरवाइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा अर्बन एरियाज घर कॉन्क्रीट के घर मशीनें कारखाने एक्सेट्रा एक्सेट्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट और वही बोल रहे कि वन ऑफ प्रिंसिपल इफेक्ट्स उस समय पे जो भी तब भी हमको पता था अगेन 40 साल पहले से ही हम ये बोल रहे थे कि जो मेजर इफेक्ट किसका हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी हमने बात की और अब ये उस समय बोल रहे थे कि ये बढ़ता ही रहेगा अगले पचास सौ साल में और ऑब्वियसली हो ही रहा है देखते हैं क्या होता है राइट right? um, और अगेन देन ही गोज ऑन टू से गिव्स अ लॉर्ड ऑफ डिटेल्स कि हाँ हम एक्जैक्टली exactly बता नहीं सकते कि कैरेक्टर क्या है मैग्नीट्यूड क्या है इन चेंजेस का कैसे होगा बट क्या है स्टिल एज आई यू हैव टू एज साइंटिस्ट यू हैव टू कीप ट्राइंग एज ह्यूमन यू हैव टू कीप ट्राइंग और इनका ये माना कि जो बड़े बड़े जो शहर हैं जो बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं यूएसए ये सब टाइप के उनको हीट आइलैंड्स कहते हैं और उनका मेजर प्रभाव ऑब्वियसली उनका ही है बट अगेन दैट्स वेयर द पॉलिटिशियंस गेट स्टक यूनाइटेड नेशंस में तो जो डेवलप्ड देश है वो डेवलपिंग देशों को बोल रहे हैं कि भाई हमने तो चलो अब कर लिया जितना कुछ हमने बहुत क्या है अर्थ को आ, कर दिया है जो भी किया है रिसोर्सेज हमने वेस्ट किए हैं पोल्यूशन फैलाया है अब तुम लोग हमारी गलती से देखो तुम लोग मत करो अब डेवलपिंग लोग क्या बोलते थे हमारे जैसे नेशन कि अच्छा तुम लोगों ने तो अपना दुकान बना लिया सेट कर लिया और अब हम तुमको बोल रहे हो अब और हम अब तुम लोग हमको बोल रहे हो कि हम डेवलप ना हो नहीं अब हम हम भी करेंगे वैसा ही जैसे तुम लोग कि हमको भी विकास चाहिए और मीन वाइल्ड डेवलप्ड देश ऐसा भी नहीं है कि बोल रहे कि नहीं नहीं अब हम बंद कर देंगे नहीं उनको अपना जो सिचुएशन वैसे ही बना के रखना है अमेरिका एंड ऑल आर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी यू नो वहाँ पे इतना ज़्यादा एनर्जी यूज़ या फिर इनफैक्ट अब्यूज़ मैं कहूँगा वेस्टेज वगैरह है इन डेवलप्ड देशों में सोया um, so yeah, जैसे यहाँ हम हम लोग के वहाँ पे यहाँ सर्दियों में कई बार क्या है दो दो तीन तीन हफ्ता बिजली नहीं रहती है बिजली सारी यहाँ बगल में बन रही है हाइड्रोल डैम्स हमारे यहाँ पर नदियों से बनते हुए जा रहे हैं और ये नदियाँ कहाँ जा रहे हैं शहरों को बेची जा रही है बिजली जहाँ पे मॉल वगैरह उगाए जा रहे हैं जहाँ पे एक जगह पे सौ सौ लाइटें लगा देते हैं जिनका कुछ काम नहीं है उन लाइटों का बस यू नो बन दिसमलीज दो निष्कर्ष निकालते हैं एक तो ह्यूमन एक्टिविटी हैेंजिंग इन सम्लाइमेट तो ऑलरेडी क्या है ह्यूमन लोगों का बहुत ही प्रभाव पड़ चुका है क्लाइमेट पे या फिर पढ़ रहा है दूसरा इफ एनर्जी प्रोडक्शन वर टू इंक्रीज बाय टू ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड विच इज क्वाइट पॉसिबल ड्यूरिंग द नेर द क्लाइमेट विल बिगिन टू चेंज ऑन द रीजनल एंड पॉसिबली ऑन ग्लोबल स्केल्स एज वेल तो कह रहे हैं अभी तक तो लेकिन ज्यादातर क्या है लोकल लेवल पर ही पड़ा है कि एक कोई बड़ा शहर है न्यूयॉर्क या न्यू दिल्ली जैसा तो उसके आसपास क्लाइमेट uh, ख़राब हो जाता है मौसम जो एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है लेकिन ये कह रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा और चाहे हमारा एनर्जी प्रोडक्शन डबल अगर हो जाए अभी के तो फिर तो क्या है रीजनल और इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे भी ये इफेक्ट्स दिखने लग जाएंगे और जो कि कहते हैं वो अगले 100-200 साल में होने की पूरी संभावना है और हाँ ऐसा लग ही रहा कि होगा फिर अब आते हैं हिंद गोज ऑन फेडरोव कर्म्स टू द नेक्स्ट सेक्शन डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट तो ये सब तो क्या है हम अनचाहे से बदल रहे थे क्लाइमेट को यू नो फैक्ट्री में तो ये कहते हैं क्या अगर यू नो कि अभी तक हम विदाउट इंटेंडिंग टू हम बिना चाहे अगर क्लाइमेट को बदल रहे थे तो फिर अगर हम क्लाइमेट को अच्छे तरह से इन सिस्टम्स को समझ लें किसी तरह एक क्वांटिटेटिव थ्योरी बना लें कि तो फिर शायद हम क्या है अपने समझ से प्लान करके डेलिबरेटली भी क्लाइमेट को बदलने की कोशिश कर सकते हैं अपने अनुसार यू नो कि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कॉम्बैट करने के लिए इज़ दैट पॉसिबली एज थ्योरेटिकली इट्स एप्सोलूटली पॉसिबल क्योंकि आप अर्थ को एक अगेन थर् थर्मोडाइनामिक वाला कॉन्सेप्ट यू आर ट्रीटिंग अर्थ हैज़ अ हीट इंजन सो अगर आप उस इंजन के उस मशीन के थोड़े थोड़े मैकेनिज्म बदल दोगे कि यानी हवा कहाँ से जा रही है इवेपोरेशन कैसे हो रहा है या फिर रिफ्लेक्टर्स uh, लगा दिए आपने पृथ्वी में क्या हो रहा है गैसेज का कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हाँ श्योर यू नो थ्योरेटिकली इट्स एप्स डी पॉसिबल बट अगेन देन इट वो गोज बैक टू द सेम आर्ग्यूमेंट कि अभी तक हमें समझ ही नहीं है इन चीज़ों की ज़्यादा यू नो हाउ टू रियली टैकल दीज थिंग्स है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है यू नो टू प्रडिक्ट एंड डू ऑल दिस और वैसे ही यू नो यू कैन प्ले विथ द एटमोस्फेयर ओशंस में आप कुछ कर सकते हैं यू कैन डू अ लॉर्ड ऑफ थिंग्स थ्योरेटिकली बट ये जो एक्शन के लिए पहले उस तरह का सॉलिड नॉलेज और रिसर्च भी चाहिए एंड विच इज़ वेरी डिफिकल्ट यू नो और ऊपर से हाँ हम लोगों की बनती है नहीं इंसानों की आपस में हमारी बनती नहीं है देशों को क्या यानी हम गाँव वाँव जाती ये सब रेस पर लड़ लड़ते रहते हैं और फिर देश देश पे भी लड़ते रहते हैं यूरो सो देन ग्लोबल जो क्लाइमेट वार्मिंग ये सब की बात हो रही क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है सो देन कहाँ पे अगर आपको उसी पे इंडिया पाकिस्तान या फिर यू you नो know, जो भी इसराइल पैलेस्टीन या यूएस रशिया पे आपको अटके रहना आपस में इंसान अगर लड़ते रहेंगे सो देन ऑब्वियसली कुछ समाधान नहीं निकलने वाला है क्योंकि आप अपना ही देखते रहेंगे कि नहीं नहीं अपना हित देख रहे हैं नो वन इज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ ग्लोबल एंगल यू नो और यूनाइटेड नेशंस भर के वैसे भी कोई सुनता नहीं है इवन इफ दे पास ऑर्डर्स इज नो वन रिलीलिस टू देम सो या होपलेस सिचुएशन पर या और ये कहते हैं हाँ इस जिस तरह से हम जा रहे हैं इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस एक यानी एक लिमिट आ रही है कि अगर इस पॉइंट से हम आगे चले गए इस पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर अगर पृथ्वी का बढ़ गया तो फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे इट विल बी इरिवर्सिबल एंड देन ऑब्वियसली कम्स डाउन टू सोशल एंड पोलिटिकल इशूज़ क्योंकि जैसा हम मैं अभी आपको बात कर रहा था कि ये सब करने के लिए यू नीड ग्लोबल कोऑपरेशन यू नो हम आप तब आप अपने देश का या जाति या रेस का नस्ल वसल आप नहीं देख सकते यू हैव टू द ग्लोबल कंट्रीज ऑल दीज लीडर्स हैव टू कोऑपरेट दे हैव टू फ्रीली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन क्योंकि क्लाइमेट इज़ अ ग्लोबल थिंग यू नो बस एक आपके गांव या देश या फिर उसका बात नहीं है सो एवरी वन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फ्रीली ताकि अच्छी रिसर्च हो अच्छा हमको सिस्टम समझ में आए एक अच्छी थ्योरी बना पाएँ एंड देन लेटर कोऑपरेट फॉर कलेक्टिव एक्शन यू नो ये सब बहुत ज़रूरी है करने के लिए जैसे कि ये कहते हैं कि हाँ सम एक बीच में बात चली थी एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे एडवर्ड टेलर हु थॉट इट पॉसिबल टू मॉडिफाई क्लाइमेट्स फॉर मिलिट्री पर्पजेज तो जैसे अब आजकल क्या है बायोलॉजिकल वॉरफेयर की भी बातें हो रही है कि यू you नो know, जैसे पैंडमिक है अब पता नहीं ये कैसे शुरू हुआ कोरोना वायरस बट हाँ कल को हो सकता है कोई लैब में बना के वैसे इफ़ दे यू कैन यूज़ इट फॉर वॉरफेयर ऑल्सो यू नो यूज़ इट फॉर मिलिट्री पर्पजेज तो वैसे ही क्लाइमेट की बात हो रही थी लेकिन थैंकफुली ये क्या है एटलीस्ट ये चीज़ तो कम से कम इंटरनेशनल अग्रीमेंट के द्वारा ज़्यादातर कंट्रीज़ ने मान लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे बट अगेन यू नो आपने कानून तो बना दिया लेकिन मानना ना मानना तो उसकी बात है ना अब जैसे यूएस चाहे कुछ भी करे जैसे ट्रंप ने दिखा दिया यूएन कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है अमेरिका एज ए पावरफुल कंट्री उसको जो करना है वो करेंगे सो so, सोया yeah. <laughs> इट इज़ पॉसिबल कि ह्यूमन एक्शन से हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके उस समय तो बिल्कुल कर सकते थे 79 से जो बात अभी भी समय है ऐसा बोला जाता है बट वो समय धीरे धीरे हमारे हाथों से निकल रहा है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इ रिवर्सिबल चेंजेस यू नो करज यू नो अगेन लाइक इट्स अबाउट इंटरकनेक्टेडनेस वॉट हाँ इट्स इंटरकनेक्टिनेस यू नो ऐसा नहीं है कि बस अगर यहाँ का पोल्यूशन बढ़ा है तो बस यहीं पे फर्क पड़ेगा धीरे धीरे वो सबको प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों पे यू you नो know, अगर हम रुके नहीं ग्लोबल इंटरकनेक्टिडनेस यू नो और uh, जैसे हाँ ब्राज़ील जो अमेजोन जंगल्स हैं जिनको कहीं ना कहीं ऐसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी मानते थे कि फॉरेस्ट कवर लार्ज फॉर वो पिछले कई जो कुछ सालों से यू you नो know, उनको जलाते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं ऑन the अदर हैंड अ कंट्री लाइक भूटान यू नो बट हाँ Brazil कॉज वॉन्ट्स डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड अ कंट्री लाइक भूटान छोटा सा देश है लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं यू नो हम अपने पेड़ नहीं काटेंगे इट्स ओके हमको विकास हम अपने हिसाब से कर लेंगे धीरे धीरे लेकिन हमें इस तरह का विकास नहीं चाहिए जिससे हमारी क्या है फॉरेस्ट और हमारा अपना अस्तित्व ही एग्जिस्टेंस ही खतरे में आए सो ए डिफरेंट अप्रोचेज बट हाँ मुश्किल है फाइनली इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस नेक्स्ट सेक्शन इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ऑन मैन इंसान पे क्या फर्क पड़ता है क्लाइमेट चेंज का तो ऑब्वियसली वही बात है कि कहीं ना कहीं जैसे हम अब बात करते जो भी पृथ्वी में जो फैक्टर्स हैं हीट जो पहुंचती है जो एप्टॉसफेयर पे जो एटमोसफेयर uh, का कॉम्पोजिशन है नाइट्रोजन का कितना है ऑक्सीजन का कितना है ये कितना है ये सब कुछ इस तरह से देर इज़ अ सर्टन इस तरह से एक स्थिति में है कि इंसान जैसी स्पीशीज आ पाई और डेवलप हो पाई हमारे लिए अनुकूल बेसिकली यू नो दिज वर गुड कंडीशन फॉर अस और लाइक यू नो ऐसा लाइक यू नो लाइक ही कोर्ट्स अमेरिकन जोग्राफर हंटिंगटन हु बिलीव दैट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड स्पेशली क्लाइमेट डिटर्मिंड ऑल द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल लाइफ एंड दैट इवन सोशल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर इफेक्टेड बाई इट तो बेसिकली हाँ एनवायरमेंट का वातावरण का प्रभाव तो पड़ता ही है तो ये कहते हैं हर चीज़ में आर्थिक इकोनॉमिक यू नो क्या रिसोर्सेज आपके आसपास मिल रहे हैं अगर आप पहाड़ों में रहते कुछ तरह के आपके पास रिसोर्सेज होंगे अगर आप कहीं और रहते हैं तो वहाँ पे कुछ और पेड़ मिलेंगे कुछ और आप चीज़ें उगा सकते हैं इकोनॉमिक लाइफ डेफिनेटली इट अफेक्ट्स ठंडा है गर्म है ये भी टेक्नोलॉजिकल नो क्या आपको उस समय पर क्या, क्या क्या कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना पा रहे हैं वहाँ पे क्या मिनरल्स मिल रहे क्या रिसोर्स मिल रहे कल्चर कैसा है पहाड़ी कल्चर इसलिए हमेशा थोड़ा यूनिक होता है यू नो इट्स वेरी डिफरेंट वैसे ही कोस्टल कल्चर जो होते हैं बीच वाले कल्चर्स अलग होते हैं फिशर फिशिंग कल्चर्स अलग होते हैं सोशल सिस्टम्स यू you नो know, तो हर चीज़ों का प्रभाव तो पड़ता ही है यू नो सो या तो वैसे ये कई एग्जाम्पल्स देते हैं और वही एंड देन ही टॉक्स अबाउट अर्बनाइजेशन की धीरे धीरे जिस तरह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल औद्योगिक यू नो एंड दिस होल सिस्टम ऑफ यू नो प्रॉफिट एंड बिजनेस एंड ग्लोबल ट्रेड कि बस प्रॉफिट प्रॉफिट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यू नो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म या फिर कलेक्टिव बेनिफिट यू नो कि पृथ्वी को तो आप छोड़ ही दो यू नो यू नो ह्यूमैनिटी एंड ऑल वन थिंक अबाउट दैट हम बस अपना ही प्रॉफिट देख रहे हैं। जैसे कि बड़ी सिंपल बात है हर कोई क्या है मेरी uh, मेरी बीवी या uh, मेरा पति मेरे बच्चे मेरी गाड़ी मेरा घर है ना यहाँ तक बात ख़त्म हो गई बाकी चीज़ें भाड़ में जाए लेकिन हो सकता है कि दो तीन जनरेशन्स तक शायद लाइक यू नो जो आपके बच्चे हैं उनके बच्चे वो सब बट हाँ इट्स टू फार ऑफ ना बहुत दूर है क्या सोचना है और हम क्या ही कर सकते हैं सो ऑल ऑफ़ दैट यू नो लॉट्स ऑफ एटीट्यूड्स और सो सुधे लाइक यू नो इट ऑल कम्स डाउन टू द पॉलिटिशियंस मोस्टली हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस पे आ जाता है ये सब चीज़ें बट उनका आपको पता है क्या चल रहा है बट इट ऑल्सो कम्स डाउन टू आस जैसे हिमाचल में अगेन सरकार ने तो चलो हाँ मैं मानता हूँ लाइक यू नो वी हैव नॉट मेड सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है लाइक यू नो जैसे खासकर गांव वगैरह में अब क्या है मैगी कोका कोला वगैरह सब कुछ पहुँच रहा है दूर दराज गाँव में भी तो ये जो प्लास्टिक वगैरह क्या है कहाँ जा रहा है नालों में जा रहा है जो चलते चलते नालों से जाते जाते यहाँ जैसे रावी नदी है रावी नदी होते होते सिंधु में मिलेगी अगर चलते, चलते चलते क्या है इंडियन ओशन में और इसी के चलते जो एक विशाल प्लास्टिक का नया एक देश जो बन रहा है हमारे समुद्रों में उसके साथ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जुड़ जाएगा यू नो सो दैट्स वॉट इज़ हैपनिंग तो हम लोग भी क्या ही कर रहे हैं सरकार को भी हम ज़्यादा हाँ सरकार को तो दोष देना ही चाहिए लेकिन हमें अपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होंगी यू नो Uh, सरकार ने अगर डस्टबिन प्रोवाइड किया है कम से कम आप चाहे वहाँ जाके तो उसे फेंक दीजिए आप बिल्कुल लाइक यू सो वी या ऑल ऑफ दिस थिंग्स सो देन इट कम्स डाउन टू एक्शन वी आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग बेसिकली जैसे हमारे मंत्री लोग हैं हम भी वैसे ही हैं हाँ तो इवन स्मॉल चेंजेस अगर एक दो डिग्री का भी बदलाव आ जाए यू नो इट कैन हैव लाइक फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर आस एज अूमन रेस यू नो बॉज हाँ एवरीथिंग चेंजेस इन टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन बारिश वारिश सब कुछ इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर इफेक्ट करता है ओशन टेम्परेचर फिशिंग को इफेक्ट करता है इकोनमी हर जगह जुड़ी हुई है सो ऑल ऑफ दिस सो देन फाइनली देन ही कम्स ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ अबाउट डिजायरेबल स्ट्रैटेजी फॉर मैन काइंड कि एक ऐसा डिज़ायरेबल प्लान मैन काइंड के लिए क्या है क्या बना सकते हैं क्लाइमेटिक चेंज विल इविटिबली अकर इन द फ्यूचर ही स्टार्ट्स विद दिस यू नो कि ये तो होना ही है क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा इट विल ऑफन बी सिग्निफिकेंट एंड मे बिकम रिवर्सिबल इन द डेकेट इमीडिएटली बिफोर अस ये जो हमारी आने वाली दशक है उसमें रिवर्सिबल भी हो सकता है इट मे बी लोकल रीजनल और ग्लोबल इसलिए हमें एक क्लियर स्ट्रैटेजी चाहिए एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चाहिए जो कि विच हैज़ टू भी स्टार्ट इन द वेरी नियर फ्यूचर एंड यू नो दैट वेरी नियर फ्यूचर इज जस्ट लाइक यू नो वी आर लूजिंग इट फास्ट और सबसे पहले अगेन ही सेज़ यू नो वी नीड अ क्वांटिटेटिव फिजिकल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट एंड ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स ऑफ द चेंजेस दैट आर लाइकली टू बी ब्रॉट अबाउट बाय डिफरेंट कॉजेज बेसिकली हमें समझना पड़ेगा क्लाइमेट एक्जैक्टली exactly क्या होता है क्या क्या फैक्टर्स है किस कारण से होता है एंड अगेन ही सेज़ यू नो

पढ़ना होगा यू नो क्योंकि कल को सोचे अगर एलियंस वगैरह आके अटैक करते तो हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे होंगे उनसे क्या लड़ेंगे सो वी हैव सम बेसिस फॉर डिसाइडिंग वाट इज़ गुड एंड वॉट इज बैड कि अनफेवरेबल या फेवरेबल क्लाइमेटिक चेंजेस किससे है कि उससे ह्यूमन वर्ल्ड पर इकॉनमीज कंट्रीज रीजन्स पे क्या प्रभाव पड़ता है इज़ इट गुड इज़ इट बैड सो उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा यू you नो know? कि सबके लिए क्या अच्छा है एज अ कलेक्टिव फॉर द अर्थ यू नो क्योंकि कहाँ तक हम सोचे शुड वी लाइक यू नो क्या बस एक किसी कंपनी के नजरिए सोचे किसी इंडिविजुअल सिटीजन के किसी देश के या फिर पूरी मैनकाइंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड इज द गोल ऑफ साइंटिस्ट ही सेज यू नो और टू मेक हाँ तो थर्ड एलिमेंट ही सेज लाइक यू नो सो ही टॉक्स अबाउट थ्री एलिमेंट्स पहला एलिमेंट तो जो आपको बताया कि uh, एक क्लियर स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए फॉर द नियर फ्यूचर और सेकेंड एलिमेंट क्या है असेसमेंट ऑफ़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल और मैन की जो प्रभाव जो अभी तक पड़ रहे हैं पढ़ या पढ़ चुके हैं या फिर जो पढ़ेंगे आने वाले समय में वो सब प्रभाव हमें समझने होंगे क्लाइमेट चेंज के एंड देन फाइनली ही टॉक्स अबाउट द क्या है जो थर्ड एलिमेंट इज़ टू मेक रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू अवॉइड द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज और टू अवॉइड सच चेंज ऑल टुगेदर कि हमें कुछ रिकमेंडेशन सुझाव कुछ प्लान बनाने होंगे कि कैसे हम इन नेगेटिव इफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज का जो हो रहा है उससे हम कैसे बचें या फिर उन्हें कैसे बिल्कुल ब रोक ही दें ये सब होने से और देन ही मेक्स दिस प्रडिक्शन यू नो कि अगले आने 50 साल आने वाले 50 सौ साल में बेसिकली मैनकाइंड विल बी फेस बाय सीरियस क्लाइमेटिक इश्यूज़ हमारी बुरी हालत हो जाएगी ये कहते हैं और 40 साल पहले लिखा गया था तो अब आने वाला है समय मैं भी यही हूँ आप भी यही हैं होपफुली देखेंगे क्या होता है बट हु आर दीज रिकमेंडेशन एड्रेस्ड एंड हु इज़ टू इम्प्लीमेंट दैम दैट इज द क्वेश्चन यू नो द प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि ये सुझाव हम किसको दें और कौन इंप्लीमेंट करेगा हर कोई बोल देगा कि क्या है हाँ ये तो क्या है डिसीजन मेकर्स ही कर सकते हैं पॉलिटिशियंस का काम है हमारे लीडर्स का काम है लेकिन हमारे लीडर्स की हालत क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं लीडर्स के अगर अलग ही नोटिस है अगर लीडर्स हर इलेक्शन में जो मंत्री जो पॉलिटिशियंस अगर बिजनेसमैन मैन लोगों का पैसा ले लेकर अगर इलेक्शन जीत रहे हैं किसी तरह सो देन ऑब्वियसली वो लोग बिजनेसमैन की सुनेंगे ट्रेड्समैन um, की सुनेंगे आम जनता की तो बाद की बात है और क्लाइमेट तो फिर बहुत दूर की बात है उसकी क्या ही सोचेंगे सो ऑल ऑफ दैट इज यू नो और हाँ लाइक रिच पीपल आर प्लानिंग टू गो ऑफ टू मार्स और समथिंग जैसे अब क्या है स्पेस टूरिज्म शुरू हो रहा है शायद धीरे धीरे क्या है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जब अर्थ की बुरी हालत हो जाएगी जब कुछ बचे बजेगा नहीं यहाँ रहने लायक सो देन एनी वन कैन अफोर्ड टू कैन लिव ऑन द मून या फिर मार्स पे ठीक है आप जमीन खरीद सकते हैं मून में वैसे अभी भी सोया so, yeah. uh, तो वही कह रहे हैं कि यू नो ग्लोबल लेवल पे कंसर्टेड लेवल पे यू नो वी नीड कलेक्टिव एक्शन तभी कुछ हो सकता है um, तो कई थ्योरीज़ है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ये जो कंटिन्यूड जो हमारा जो हमको लगता है कि हम विकास करते रहेंगे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ उसको हमें बदलना पड़ेगा कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं विकास ठीक है वो चलते रहना चाहिए लेकिन उसको थोड़ा हमें उसे और अलग तरीके से समझना होगा यू नो वी नीड टू री थिंक डेवलपमेंट कि किस मायने में कैसे करना है ताकि ग्लोबल लेवल पर सबके लिए अच्छा हो एंड देन लाइक अदर थ्योरीज आर यू नो कि कई सिनेरियोज हो सकते हैं कुछ कहते हैं कि वही कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए जिसमें क्या है इंडिविजुअल जो देश वाले कुछ नहीं रहेंगे बस एक ग्लोबल एक अथॉरिटी है जो जगह जगह को सबको हैंडल करे यानी एक ही सरकार ग्लोबल सरकार शायद वो हो भी जाए और वो सरकार के हेड कौन होंगे मार्क जुगरबर्ग जेफ पीजोस गूगल ये सब होगा ठीक सो लेट्स सी वी शेल नॉट हेयर डिस्कस देते 嗯。Mm. तो वही बार बार वही बात आती है यू नो दिस ऑल कैन ओनली बी अचीव थ्रू द कॉपरेशन ऑफ सॉवरिन स्टेट्स ऑन एन इक्वल बेसिस फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट तो सबका है ना कि अब जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि आजकल जैसे पैसिफिक में कुछ आइलैंड्स डूब रहे हैं कुछ देश ख़त्म हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो लोग डूब रहे हैं पानी के नीचे जा रहे हैं तो अभी आप यहाँ बैठ के बोल रहे कि हाँ ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है बट कल को ऐसा ही होगा यार यू you नो know, आप और आपको लगता है यार में आप सेफ़ हैं नहीं माउंटेंस में भी क्या है सबसे पहले यहाँ बर्फ़

यू नो आर इच पॉसिबल गिवन सर्टेन कंडीशन तो ये कहते हैं कि या तो हमें जो हमारी जो आर्थिक स्थिति सिस्टम uh, है जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी का यू you नो know, या तो हमें इन्हें क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार बदलना होगा कि ये सब दोनों साथ सही से चले या फिर हमें क्लाइमेट को इस तरह से ग्लोबल स्केल पर बदलना होगा कि वो अपने आप को इकॉनमी के लिए एडजस्ट कर दे सो आ वेरी लाइक यू नो सो टू थोरीज ही गिव्स एंड दोनों के लिए ही सेज कि दो कंडीशंस तो ज़रूरी है एक क्या टू प्रिवेंट वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड एस्टैब्लिश अ लास्टिंग पीस कि दुनिया में पीस हो क्योंकि अगर लोग आ, देश आपस में नहीं लड़ रहे होंगे तभी क्या है कॉपरेट करेंगे एक दूसरे से और कुछ ऐसा एक्शन पॉसिबल है दूसरा टू स्टॉप द आर्म्स रेस जो खासकर जो उस समय पर यू और रशिया के बीच में चल रहा था अब तो इंडिया पाकिस्तान चाइना मिडिल ईस्ट हर जगह ही चल रहा है आर्म्स रेस बेसिकली जितने से ज़्यादा आप हथियार इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं एंड प्रमोट डिज की यानी हथियार मत रखिए फॉर ओनली बाय सच एक्शन विल बी पॉसिबल टू अफॉर द ग्रेट मटेरियल रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर सच कंसर्टेड एक्टिविटीज़ एक तो क्या है हाँ अगर पीस हो जाए तो फिर ठीक है फिर ज़रूरत नहीं है आर्म्स वगैरह की क्योंकि लाइक यू नो अ लार्ज पार्ट ऑफ द जी डी पी ऑफ द वर्ल्ड इज स्पेंट ऑन वेपन्स एंड आर्मीज हमारे भारत कहीं कहीं पे भी देख ले एजुकेशन हेल्थ से ज़्यादा शायद हम लोग ऑल कंट्रीज दे स्पेंड मोर ऑन द मिलिट्री वेरी स्टूपिट बट हाँ ठीक है प्रैक्टिकल रियालिटी है फिलहाल तो बट सो so, या yeah, अगर हम आगे आगे बढ़ना है तो ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू फेडरोड ही सेस इसके बिना तो नहीं हो पाएगा और सिंस ये तब तो नहीं होने वाला तो शायद नहीं हो पाएगा सो एट दी एंड ही कंक्लूड्स वी कैन अग्री यूनानिमसली दट मैन काइंड शुड डेवलप एन अप्रोप्रियट स्ट्रैटेजी सो दैट इट इज़ प्रिपेयर फॉर सच इनविटेबल चेंजेस कि हमें मानना ही पड़ेगा कि मैन काइंड को एक प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो ऐसे जो इविटेबल यानी जो चेंजेस आएंगे ही आएंगे कुछ समय में उनसे कैसे हम कोप करें एंड दैट पीस डिजामेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइड द फाउंडेशंस फॉर सच स्ट्रैटी और ऐसा प्लान का फाउंडेशन ही क्या है पीस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन है सो दैट्स द दस एंड थिंक अबाउट इट ऑल्सो थिंक अबाउट यू नो वॉट यू कैन डू आस नदी में कूड़ा मत फेंकिए थिंग्स लाइक दैट लिटिल थिंग्स यू नो सरकारें भी शायद फिर अपना अपना काम करें। सो दैट्स इट एंड देन विल टेक अप योर नेक्स्ट एस और थैंक यू